हेलो गाइज, हाय, स्वागत है आपका एक और बम्पर वीडियो में। गाइज देखो, जब हम ऑनलाइन आते हैं अर्न करने आते हैं और अर्न करने के लिए हम काफी ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग ढूंढते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि बहुत आसान तरीका जो है इस दुनिया में अर्न करने का ऑनलाइन से, वो है कि अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दो और उस पर कॉन्टेंट डालते रहो। गूगल ट्रैफिक भेजता रहेगा क्योंकि मैं उसका एसईओ करूंगा और उस ट्रैफिक की बदौलत मैं एडसेंस को अप्रूव कराऊंगा और एडसेंस अप्रूव होते ही अब ट्रैफिक आता रहेगा और एडसेंस से मुझे अर्निंग होती रहेगी। यही सबसे जबरदस्त तरीका है ना ऑनलाइन अर्न करने का। बस इसी बेसिस पे आज का ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा हटके है, इसमें सेम वही चीज होगी जो कि अभी तक मैंने आपको बताया है। लेकिन आज से पहले आप हमेशा ये ढूंढते रहते थे कि कौन सी चीजें हैं या कौन सा निच है जिस पे हम काम कर सकते हैं और उस पे अच्छा अच्छा हम कंटेंट बना के, स्टोरी बना के या फिर लंबे लंबे कंटेंट लिख के हम अपनी ब्लॉग में डालेंगे, एसईओ करेंगे, ट्रैफिक आएगा और मैं अर्न करूंगा, तो उसके लिए कौन से निच है ये बता दो। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता था, लाइक मैं हेल्थ पे काम करूं, मैं फाइनेंस पे काम करूं, मैं ऑटोमोटिव पे काम करूं, मैं गैजेट्स पे काम करूं, मैं फिटनेस पे काम करूं, मैं किस किस चीज पे काम करूं, कोई ऐसा नेट बता दो सर कि मजा आ जाए, उस पे बहुत ज्यादा इनकम हो। तो आपको पता है ना कि मैं मार्गदर्शन के वीडियोस बनाता हूं और आज का भी ये मार्गदर्शन का एक और वीडियो है। मार्गदर्शन सीरीज में ना मैं बहुत अटपटे टॉपिक लाता हूं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि मैं जेनेरिक तरीके से आप लोगों को ये नहीं बोलता कि फिटनेस वाले इस पर्टिकुलर नेट पे काम कर लो या वगैरह वगैरह कि हेल्थ पे काम कर लो, सप्लीमेंट्स पे काम कर लो, नहीं, मैं बहुत अटपटे लाता हूं। आपने अगर मेरा मार्गदर्शन का सीरीज अभी तक फॉलो करना शुरू नहीं किया तो मैंने आई बटन पे पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर जबरदस्त जबरदस्त आइडियाज पे आप काम कर सकते हो अपना ऑनलाइन से अर्न करने का खासकर, तो आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद। आज के इस वीडियो के अंदर मैं ना एक बहुत बड़ा जो मार्केट में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं और वो सॉल्यूशन जो है ना वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस होता क्या है गाइस, बिजनेस यही तो होता है ना, जब आप किसी बड़े से प्रॉब्लम को आप एड्रेस करते हो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वो आपके लिए एक बिजनेस का स्कोप बन जाता है। तो आज जो प्रॉब्लम को एड्रेस करने का जो तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूं, वो है आपका कस्टमर केयर नंबर। यस, बिल्कुल सही सुना गाइस आपने। क्या होता है कि कल मेरे पास एक प्रोडक्ट था और वो प्रोडक्ट ना काफी ज्यादा इनफेमस प्रोडक्ट था, मतलब उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा रेपुटेशन नहीं था, फिर भी मेरे पास वो प्रोडक्ट था। कल अचानक से वो खराब हो गया। खराब होने के बाद मैंने उसको बहुत कोशिश किया कि मैं ऑनलाइन जाके उसका कस्टमर केयर नंबर ढूंढूं या फिर मैं कोशिश करूं उसको ईमेल करने की, तो बहुत ज्यादा मुझे परेशानी हो रही थी उसका एक्यूरेट नंबर ढूंढने में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेलिवेंट कोई आंसर मुझे गूगल पे नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके उसका फाइनली नंबर मिला और फिर जाके मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया। लेकिन वहीं से उससे ज्यादा खुशी जो मुझे हुई वो ये हुई कि मुझे कल एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ऐसी, क्योंकि मैं तुरंत जाके मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया कि यार ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना चाहिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर जो कि आप हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने इसको एड्रेस करना शुरू कर दिया तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बस उसके बाद ही मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर ऑन करने के बाद सीधा मैं सेमरश पे गया, वहां पर मैंने देखा कि क्या कस्टमर केयर नंबर के कीवर्ड्स जो ये निच है इस पे अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो मैं देख के दंग रह गया और यही टॉपिक आज मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से डिटेल में देने जा रहा हूं। बस आपको अपना दिमाग ठनकाना है और एक जज्बा और एक डेडिकेशन क्रिएट कर देना अपने अंदर कि यार इसी पे ही काम शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। गाइस जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं और यहां पर मुझे कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं ये कीवर्ड मैजिक टूल जो यूज कर रहा हूं ये मेरा सेमरश का प्रो अकाउंट है। अगर आपको प्रो अकाउंट बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है 14 डेज का आप प्रो अकाउंट बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, उस लिंक पे जाओ। हां, एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी बट वो कार्ड से चार्ज नहीं होगा, 14 डेज तक बिल्कुल फ्री रहेगा। 14 डेज बाद अगर आप चाहो तो आप अकाउंट को बंद कर दो और बंद करने के बाद ना आपका एक पैसा चार्ज नहीं होगा और ये सारे कीवर्ड जो है ना आप 14 डेज के अंदर निकाल ही लोगे, उसको अपने पास रख लेना, आप उस पे काम करना शुरू कर देना और फिर देखना कि आज का ये जो टॉपिक है ना ये हो सकता है आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक बन जाए अगर आप डेडिकेटेडली इसको उसी तरीके से करो जो कि मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे आपने देखा कि मैंने यहां पर कस्टमर केयर इस वर्ड पे ऑलरेडी मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, तो गाइस आप देख रहे हो ये कस्टमर केयर सिर्फ इंडिया के डेटाबेस का है। आप अगर किसी और कंट्री से हो, फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पाकिस्तान से भी है, तो वहां से बहुत अच्छा खासा प्यार भी मिलता है, तो थैंक यू फॉर ऑल द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। आप अपने वहां का देखो, नेपाल वाले नेपाल का देखो, बांग्लादेश के अपने कस्टमर केयर का डेटाबेस ढूंढ सकते हो। बस आपको सेमरश का अकाउंट जो है वो फ्री में नीचे से ले लेना है और उसके बाद आप देख सकते हो। तो इंडिया के अकॉर्डिंग 41 मिलियन का ट्रैफिक है यार, कैन यू इमेजिन 41 मिलियन, इट्स अ ह्यूज नंबर, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा के सर्चर्स कस्टमर केयर नंबर ढूंढने वाले होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको ये चीज दिखा दूं कि यहां पर कॉम्पिटिशन ना के बराबर है तो आप आज से काम करना स्टार्ट कर देना। एक जल्दी से डोमेन नेम ले लो और होस्टिंगर के होस्टिंग पे जाके अपना वो होस्ट कर दो, क्योंकि आपका मल्टीपल होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जरूर होगा। और अगर नहीं है अभी तक होस्टिंगर का तो प्लीज मेरे लिंक से जरूर लेना, क्योंकि वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप वहां से लोगे तो थोड़ा बहुत कमीशन मुझे अर्न होगा और मैं अपनी टीम से ऐसे रिसर्चेस खुद लग के अपना मोटिवेशन देके ऐसे रिसर्चेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। अब देखो, जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि एवरेज केडी जो है ये 49% है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी केडी जो है वो अगर 29 से ऊपर है तो नई
वेबसाइट को उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने में थोड़ा सा टफ सिचुएशन फेस करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज न्यू वेबसाइट की कोई भी अथॉरिटी गूगल के सामने नहीं बनी होती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि मेरी वेबसाइट नहीं है तो मुझे कम केडी पे जाना चाहिए, तो उसके लिए एक क्लिक में ही सेमरश आपको वो सारे कीवर्ड्स दे देता है जो कि कम केडी वाले हैं, जैसे कि वेरी इजी। सबसे पहले हम वेरी इजी पे जाएंगे कि 0-14% वाले जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे मिल जाए। अब 0-14 कीवर्ड्स, कैन यू इमेजिन, ये वो कीवर्ड्स हैं गाइस जो कि आप रैंक कर ही जाओगे, और वो भी विदाउट कंटेंट, मतलब विदाउट कोई कॉम्पिटिटिव बैकलिंक्स। क्यों? क्योंकि इन कीवर्ड्स पे ना बड़ी साइट रैंक ही नहीं करती है, कोई बड़ी अथॉरिटी वाली साइट आपको कॉम्पीट नहीं करेगी। उसी वजह से ये जो केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, ये इसको बहुत वीक रखा गया है। तो गाइस 14 वाले कीवर्ड जिसमें आप देख रहे हो क्लब फैक्ट्री कस्टमर केयर, ये जो क्लब फैक्ट्री कस्टमर केयर नंबर जो है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें 12,000 का सर्च वॉल्यूम जनरेट होता है, लेकिन इसका डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, मतलब अगर नए पेज भी है ना तो भी आपका चांस है कि आप रैंक कर जाओगे। लेकिन उससे बड़ी बात गाइस, वेरी इजी वाले भी 379 कीवर्ड्स हैं। 379 कीवर्ड समझते हो, मतलब अगर आप डेली एक कीवर्ड पे भी काम कर रहे हो तो भी पूरा साल निकल जाए, इतने कीवर्ड्स आपके पास हैं। और अगर सब कीवर्ड में आपका थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तो टोटल वॉल्यूम जो जनरेट होता है वो होता है 89,000, यानी तकरीबन 90,000 का सर्च वॉल्यूम हर महीने उन कीवर्ड्स पे जनरेट होता है जिन पे कोई बड़ी वेबसाइट है ही नहीं। अगर आप चाहो तो आराम से इस पे काम करके रैंक कर सकते हो, दैट इज द नंबर वन अपॉर्चुनिटी। अब मान लेते हैं आपने इस कीवर्ड पे तो काम किया, कुछ कीवर्ड्स देख भी लेते हैं, जैसे कि इजी डील्स कस्टमर केयर नंबर। अब इजी डील कस्टमर केयर नंबर जो है, डेफिनेटली इसको, ये बहुत रिनोन प्रोडक्ट नहीं है, रिनोन ब्रांड नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास है इसका कोई अगर प्रोडक्ट तो मैं डेफिनेटली इसका नंबर जो है गूगल पे जाकर सर्च करूंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल पे सेव होगा नहीं या फिर मैं इसको जानता नहीं हूं, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा। और गूगल में ये काफी कम केडी वाला जो कीवर्ड है और जिसका वॉल्यूम 2400 है। ऐसे ही स्मार्ट कॉइन कस्टमर केयर नंबर, देन पॉकेटली कस्टमर केयर नंबर, ऐसे ऐसे कस्टमर केयर नंबर है जो कि दुनिया ढूंढती है, क्योंकि इनके सर्च वॉल्यूम अच्छे खासे स्ट्रांग है, लेकिन सर्च कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। और यही मुझे वो स्कोप दिखा जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल 379 कीवर्ड्स यहां से हो गए जिसमें तकरीबन 90,000 का सर्च वॉल्यूम है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा और जा सकते हैं, विच इज इजी। इजी मतलब ये भी वही कीवर्ड है जो कि आप आराम से रैंक कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट इजी वाले। इजी में तो हद हो गई गाइस, 3.2K, मतलब 3200 ऐसे कीवर्ड है जिसमें आप आराम से रैंक कर सकते हो, नो मैटर आपकी साइट कितनी बड़ी है। और टोटल सर्च वॉल्यूम इसमें 1.4 मिलियन का है। ई कार्ड कस्टमर केयर नंबर, एम पॉकेट कस्टमर केयर, ओएलएक्स कस्टमर केयर नंबर, ई कार्ड कस्टमर केयर, गोदरेज कस्टमर केयर, सर्च वॉल्यूम देख रहे हो गाइस। और इतना इजी है इस पे रैंक करना। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि मेरे सब्सक्राइबर को ऐसे यूनिक आइडियाज मिलने चाहिए जिसमें मैं चाहता हूं कि वो कॉम्पिटिशन का पार्टनर बने। ब्लॉगिंग कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, इस नीच पे कर लो, इतना कॉन्टेंट लिखो, ये लिखो, बिल्कुल भी नहीं। ये है स्कोप जिसपे आपको इजिली काम करना है। 2023 मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आप में से बहुत लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए। मैं दिल से चाहूंगा, क्योंकि मैं इतने सारे रिसर्च करके आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि जो आपने आज से पहले यूट्यूब में ना सुने होंगे और ना आपने कभी देखे होंगे, तो हो सके तो इसको शेयर करो, मेरे काम को थोड़ा सा सराहो गाइस। क्योंकि अगर लोग मेरे वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, मेरे व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज नहीं आएंगे तो मोटिवेशन भी कहां से आता है। हालांकि आपने देखा है व्यूज नहीं आ रहे मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे, इतने कंटेंट डालने के बाद भी, इतने यूनिक कंटेंट डालने के बाद भी, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग मुझे प्यार अपना करते हो। जस्ट बिकॉज की व्यूज नहीं आ रहे मैं उन लोगों के लिए कंटेंट बनाना छोड़ दूं जो कि रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, ये गलत होगा। तो इसीलिए मैं बनाता रहता हूं, लेकिन कोशिश करना इसको शेयर करने की। अब मैं थोड़ा सा रिसर्च को और आपका वेट देना चाहता हूं, और इसमें से कोई भी एक रैंडम, जैसे ई कार्ड कस्टमर केयर है, मैं इसको कॉपी करना चाहूंगा आपके सामने, और गूगल पे जाके मैं इसको सर्च करना चाहूंगा लाइक दिस। तो अब मैं इसको जैसे क्लिक कर रहा हूं, तो आप यहां पर देख रहे हो कि ई कार्ड से रिलेटेड ऐसे भी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं जो कि ई कार्ड की नहीं है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ये एक क्या है, सबडोमेन है। सबडोमेन किस चीज का है, pizzconsumer.com, और उसके बाद देखो m.indiacustomer.com, इसका मतलब ये सारे जो है क्या है, ये सबडोमेन है। अगर मैं आपको यहां पर ले जाऊं, जैसे pizz customer है, इस पे ले गया, तो यहां पर आपको कस्टमर केयर नंबर दिख रहा है, कैन यू सी दैट। और इसके बाद आपको यहां पर ज्यादा कंटेंट नहीं दिख रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कि आपका जो कस्टमर केयर नंबर है उसके ऊपर ही सारा चीज मेंशन है। हालांकि कोई वो थ्योरी, स्टोरी, कंटेंट, पैराग्राफ ये सब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर केयर यहां पर एक नंबर दे रखा है, और उस नंबर बेस पे ये मेजरली रैंक कर रहा है। अगर मैं इसको आपका ट्रैफिक दिखाऊं, तो आप यहां पर जाकर देख सकते हो गाइस, इसका ट्रैफिक ऑलमोस्ट हर महीने का 71,000 का है, 71,000 का, विदाउट द पैराग्राफ वाइज कंटेंट, सिर्फ कस्टमर केयर नंबर देके ये रैंक कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, और थोड़ा सा और यहां पर जितने भी साइट रैंक कर रही हैं उनमें से दिखा देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला करते हैं indiacustomercare.com, इस पे जाते हैं तो यहां पर भी आप देखो कि कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ और सिर्फ इसके नंबर के। यहां पर अभी नंबर आ जाएगा जो कि अभी तक नहीं आया। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। यहां पर मैक्सिमम जो है ये कस्टमर के जो फीडबैक है या कस्टमर के जो कमेंट्स हैं वो है
है लेकिन इसका खुद का कोई कंटेंट नहीं है दोस्त। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो भी आप दोबारा देख लो, इनफैक्ट इसमें तो कोई कस्टमर केयर नंबर भी शायद ना हो। यू कैन सी दैट द रेस्ट आपका यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बाकी सारा का सारा जो है ये कमेंट है गाइस। यू कैन सी दैट ये कस्टमर का कमेंट है और इसके खुद के कॉन्टेंट का कोई भी यहाँ पर सर पैर नहीं है। उसके बाद भी अगर मैं इसका भी ट्रैफिक आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर ट्रैफिक इसका भी देख लो एंड यू विल बी शॉक्ड कि इसका ट्रैफिक 2.6 मिलियन का है। 2.6 मिलियन का ट्रैफिक, इट्स अ बिग नंबर, क्योंकि हो सकता है ये ऑलमोस्ट हर उस कीवर्ड पे काम कर रहा है जिस कीवर्ड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये था मेरी तरफ से गाइज आपके लिए मार्गदर्शन का एक और वीडियो। हो सके तो कमेंट में बताना कि आपका कोई फीडबैक है, कोई आपका अपना सुझाव है, या फिर आपको मेरी तरफ से और एक्स्ट्रा कोई हेल्प चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, कोई ऐसा रिसर्च चाहिए जो कि आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसे रिसर्च करके और आपके लिए बेटर से बेटर उटपटांग निच ढूंढ के आपको दे पाऊं ताकि आप यूनिक कहलाओ। क्योंकि आप जब काम करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि ऐसे भी काम करने होते हैं। बाकी रेस्ट आपकी चॉइस है कि आपको मुझे मोटिवेट रखने के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है या नहीं करना, आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे एंड सी यू, बाय, जय हिंद।